सब पूरे गाड़ियों की कंप्लेंट डालने वाले, ये पूरे गाड़ियों की जाना कंप्लेंट डाल जाके जाना दे, ये हालत अब यहां ये गाड़ियों वाले लाके डाल रहे हैं घर कचरा। रास्ता है रोड है डालने से और ज्यादा हो रहा कचरा। अरे इनम की घरों में छह से गाड़ियां, एक घर में छह से 10 गाड़ियां आगे हमारे घर इनम का लाके डाले वो पूरे ये हाल में है। ये गाड़ियां वाले लाके डाल रहे हैं सर। सही रोड हेलो हां हां मां मां लाओ मिट्टी भरी रुमाल मल्ले दो मिट्टी भरी जान भगवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं मंसूर अली यहाँ अशरफलूम मदरसे से। यहाँ अतराफ व अकनाफ में लंबाड़े लोग जो है कचरा भर दे रहे हैं और मस्जिद को और मदरसे को आने के लिए रास्ते की बिल्कुल तंगी है, ताफ़ुन फैल रहा है। स्कूल है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अभी मदरसा तो बंद है, बच्चे यहाँ नहीं है, लेकिन मदरसे में बहुत सारी बड़ी तादाद छोटे बच्चों की है। इस ये ख्वाजा बाग में सईदाबाद कॉलोनी में है मदरसा, बड़ी तादाद में बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे तकरीबन 800-850 बच्चे हॉस्टल में हैं। ये गंदगी से छोटे बच्चों को वबाई अमराज का शिकार होंगे और परेशान होंगे, तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे उसके। किसी तरफ से मदरसे को आने का रास्ता साफ़ सुथरा बाकी नहीं है, हर तरफ से कचरा भरा हुआ है, बल्कि वो कचरा कलेक्ट करने की जो गाड़ियाँ हैं वो भी ला के यहाँ पर कचरा डंप कर रहे हैं। जब से यह कचरा कुंडियों का सिस्टम ख़त्म हुआ तब से बड़ी परेशानी का शिकार है यहाँ के मदरसे के लोग, स्कूल के लोग, अतराफ़ रहने वाले मोहल्ले के लोग। कहीं से साफ़ सुथरा रास्ता मदरसे को आने के लिए नहीं है। स्कूल शुरू हो गया है हमारा, स्कूल में भी बच्चे इस इलाके से आते हैं और रास्ता नहीं है बिल्कुल, टीचर्स नहीं आ सक रहे हैं वहाँ से, बच्चे नहीं आ सक रहे हैं, कई बच्चे रुके हुए हैं स्कूल को आने से। एरिया कॉर्पोरेटर बोले हैं यहाँ रबते में नहीं है कॉर्पोरेटर के कोई भी लोग, सुपरवाइज़र जो आता है कचरा उठाने के लिए, कई मरतबा उसको कंप्लेंट करे, फ़ोनों पर बुलाए तो सही रिस्पॉन्स नहीं है कुछ भी। कॉर्पोरेटर की तरफ से हम लोग तो अभी अप्रोच हुए नहीं, उनकी तरफ से भी कोई रबता हमारा नहीं, बहुत पहले एक मरतबा आए थे, उसके बाद से कभी विज़िट तो नहीं करे हमारे एरिया को। ये आई एस सदन डिवीज़न में है हमारा इलाका, और ये जो खुला एरिया है इसमें सब इनक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, सो स्लम्स हैं अतराफ़ के। इन लोग लाइट की चोरी करके इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई पूछगछ नहीं है, उनके पास नलों के कनेक्शन है वगैरह वगैरह, उनको कोई पूछगछ नहीं है, पूरा कचरा फैला रहे हैं अतराफ़ में, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बल्दिया की तरफ से बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है इलाके को, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ से ऐसा ताफ़ुन फैला हुआ है। एक छोटा सा तंग रास्ता बचा हुआ है मदरसे को आने के लिए, अंदर इतना बड़ा इदारा है, तकरीबन 1500 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहने वाले और आने जाने वाले सब मिलके। बाजू में इंग्लिश मीडियम स्कूल है नर्सरी से 10th तक, उस स्कूल को आने के लिए टीचर्स को, स्टाफ को और बच्चों को इतनी परेशानी हो रही, यहाँ मस्जिद में नमाज ही नहीं आ सक रहे नमाज़ों में, कई लोग घरों में नमाज़ पढ़ ले रहे हैं, मस्जिद तक पहुँच नहीं सक रहे। तो हमारी गुजारिश है बल्दिया से, ज़िम्मेदारों से और यहाँ के सुपरवाइज़र से, MLA साहब से, यहाँ कुछ तवज्जो फरमाइए आप, या अतराफ़ में जो गंदगी ताफ़ुन है इसको ख़त्म करिए, अल्लाह इसका अजर अजीम देंगे आपको, मस्जिद की खिदमत होंगी।